हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल महामाया सिलेक्शन में। दोस्तों, मैं सागर आज आपके सामने लेके आया हूँ बोट और स्ट्रीम। मैं आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बोट और स्ट्रीम को समझाऊंगा। आज मैं आपको उसके पूरे बेसिक थ्योरी को बताऊंगा, पूरे कॉन्सेप्ट को बताऊंगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को अच्छे से आपके साथ डील करूंगा। और जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चंस को भी आपके सामने बताऊंगा कैसे वैसे सवालों को बनाया जाए। चलिए चलते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं आज हम बोट और स्ट्रीम टॉपिक के बारे में, जिसे हम नाव एवं धारा बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले जानिए इसमें दो तीन बातें हैं जो आपको जानना चाहिए। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बोट हो, स्पीड ऑफ बोट कहें या शांत जल में नाव की चाल कहें, इसे हम वी बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, वी बी से दर्शाते हैं। अगर बात करें वेलोसिटी ऑफ करेंट, स्पीड ऑफ करेंट, करेंट क्या हो गया, धारा की चाल, तो उसे हम क्या दिखाते हैं, वी सी से दिखाते हैं। वेलोसिटी ऑफ करेंट, वेलोसिटी वी और सी फॉर करेंट। ठीक है, इसे दर्शाते हैं। अब चलिए इधर आते हैं, नीचे आते हैं। धारा के साथ अनुकूल, धारा की दिशा में या अनुप्रवाह में नाव की चाल। फ्रेंड्स, अगर आप हिंदी में पढ़ रहे हैं, हिंदी में क्वेश्चंस डील कर रहे हैं, तो ये चारों में से कुछ भी रहेगा तो आपको समझ जाना है कि ये क्या बोल रहा है, डाउनस्ट्रीम के बारे में बोल रहा है। डाउनस्ट्रीम इंग्लिश में एक वर्ड आता है, डाउनस्ट्रीम। ठीक है, लेकिन हिंदी में ये सब सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। धारा के साथ अगर कहें तो समझ जाना कि डाउनस्ट्रीम कह रहा है, अनुकूल कहे तो डाउनस्ट्रीम कह रहा है, धारा की दिशा में कहे फ्रेंड्स तो डाउनस्ट्रीम कह रहा है, अनुप्रवाह में नाव की चाल कह रहा है तो डाउनस्ट्रीम कह रहा है। तो डाउनस्ट्रीम में होता क्या है, तो फ्रेंड्स डाउनस्ट्रीम का मतलब हो गया जब धारा के दिशा में, मान लीजिए धारा इस तरफ फ्लो कर रहा है, ठीक है, इस साइड धारा का ये है, क्या कहता है, चाल है, करेंट है, और उसी दिशा में अगर बोट भी ट्रैवल करे तो वो क्या हो जाएगा, डाउनस्ट्रीम हो जाएगा। उसमें क्या होता है ना, बोट के स्पीड को और धारा के स्पीड को, दोनों को, करेंट के स्पीड को, दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो डाउन स्ट्रीम निकलता है। तो वीबी प्लस क्या करते हैं, वीसी करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब पॉइंट को लिख लिया कीजिए, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, नहीं तो वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं। तो क्या करते हैं, अनुप्रवाह ये डाउन स्ट्रीम निकालने के लिए हम लोग बोट के स्पीड को और करेंट के स्पीड को दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए बात करते हैं धारा के विपरीत या विरुद्ध प्रतिकूल, जिसे हम अपस्ट्रीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम। ठीक है, अब फ्रेंड्स अपस्ट्रीम में होता क्या है, मान लीजिए ये जो करंट है नदी के फ्लो का करंट है, ठीक है, ये डायरेक्शन इधर है, ठीक है, लेकिन बोट जो जा रहा है उसका डायरेक्शन ये है, अपोजिट अगर रहेगा बोट और करंट का, दोनों का डायरेक्शन, तो क्या करेंगे ना, हम बोट के स्पीड में से करंट के स्पीड को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, वही क्या हो जाएगा, आपका अपस्ट्रीम हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, अपस्ट्रीम हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, अब कुछ क्वेश्चंस को बनाते हैं, एक बार आप वीडियो को पॉज करके देख भी सकते हैं क्या क्या फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक नाव की शांत जल में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, मींस वीबी आपका दे दिया है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बोट कितना दे दिया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया। ओके फ्रेंड्स, अब क्या बोल रहा था, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, मींस वीसी आपका दे दिया, करंट का जो वेलोसिटी है वो आपका कितना है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति आवर। ओके, धारा की दिशा में यह नाव 3 घंटा में कितनी दूरी तय करेगा। फ्रेंड्स कह रहा है धारा की दिशा में, मींस पूछ रहा आपसे क्या, देखिए आपको बताया था ना धारा की दिशा, देखिए धारा के साथ धारा की दिशा, मींस आपसे पूछा डाउन स्ट्रीम, जब डाउन स्ट्रीम पूछता है फ्रेंड्स तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ बोट मींस नाव की चाल और धारा की चाल को दोनों क्या करते हैं, हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ वीबी को और वीसी को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 13 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या बोल रहा है, धारा का दिशा में यह नाव 3 घंटा में कितनी दूरी तय करेगा। अब पूछ रहा है टाइम, अगर हम लोग 3 घंटा समय अगर 3 घंटा लेते हैं तो उतना देर में 3 घंटे में कितना दूरी तय करेगा। तो दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, फॉर्मूला आपको तो याद हो गया होगा अभी तक, समय गुने क्या होता है, चाल होता है। ठीक है, तो समय गुने चाल, तो समय क्या है 3 घंटा, चाल कितना है 13, कितना हो गया 39 किलोमीटर, मींस 39 किलोमीटर क्या करेगा, बोट ट्रैवल करेगा 3 घंटे में। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। शांत जल में एक तैराक की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, शांत जल में एक तैराक की, ठीक है, कितना गति है 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की गति दिया हुआ आपको 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा के विपरीत दिशा में फ्रेंड्स क्या बोल रहा है, विपरीत दिशा में आ गया, धारा के विपरीत दिशा में। और मैंने क्या बोला, जब धारा के विपरीत दिशा में रहता है तो दोनों को क्या करते हैं, आपस में माइनस कर देते हैं दोनों स्पीड को, तो क्या करेंगे, आपको अपस्ट्रीम निकालना है धारा के विपरीत दिशा में, अपस्ट्रीम, या इसे हम बोल सकते हैं धारा के विपरीत या विरुद्ध प्रतिकूल भी कह सकते हैं। ठीक है, अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा, 9 - 2 हो गया, कितना हो गया, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या बोल रहा है, धारा के विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर जाने में इस तैराक को कितना समय लगेगा,
तो डिस्टेंस आपका दे दिया, दूरी दे दिया कितना, दूरी फ्रेंड्स दे दिया है 28 किलोमीटर। ठीक है, अब पूछ रहा है कि 28 किलोमीटर को अपस्ट्रीम में धारा के विरुद्ध जाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, एक बार धारा के विरुद्ध मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, धारा ये हो गया, इस धारा धारा मान लीजिए डायरेक्शन यहां है, इधर से जा रहा है। ठीक है, लेकिन बोट ये जो स्विमर है जो स्विमिंग कर रहा है इसका डायरेक्शन क्या है, इधर है। ठीक है, और जो स्विमर है उसका 9 किलोमीटर प्रति घंटा डायरेक्शन है और धारा का है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इसलिए क्या कर दिया, अपस्ट्रीम में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, अब देखिए, आप आपको डिस्टेंस दे दिया 28 किलोमीटर, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है समय, समय कितना लगेगा 28 किलोमीटर जाने में। ठीक है, तो क्या करेंगे, दूरी बटा क्या होता है, चाल होता है, दूरी बटा आप स्ट्रीम कर देंगे 7, तो क्या हो गया 4 घंटा। तो कितना देर लगेगा, तो तैराक को 4 घंटा लगेगा 28 किलोमीटर दूर जाने में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। नदी में एक स्थान पी से दूसरे स्थान क्यू तक जाने तथा पी तक वापस आने में एक नाव को 4 घंटा लगता है। ठीक है, मान लीजिए स्थान पी है और ये स्थान क्यू है। ठीक है, यहां से जाने, ठीक है, और फिर वापस आने में कितना टाइम लगता है, टाइम जो लगता है वो 4 घंटा लगता है। ओके, अब क्या बोल रहा है, यदि धारा की वेग क्या दिया हुआ है, धारा का वेग मीन्स वीसी दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ करेंट आपका दिया हुआ है 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। ओके, तथा शांत जल में नाव का वेग मीन्स वीबी वेलोसिटी ऑफ बोट कितना दिया हुआ है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। तो पी से क्यू की दूरी पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, पी से क्यू की दूरी कितनी है, मान लीजिए एक्स दूरी है। ठीक है, तो देखिए डाउनस्ट्रीम निकाल लीजिए, डाउनस्ट्रीम धारा के दिशा में, जिसे हम बोलते हैं धारा के दिशा में क्या करते हैं, डाउनस्ट्रीम निकालने के लिए दोनों को क्या करते हैं, करेंट की चाल को और बोट की चाल को दोनों को जोड़ देते हैं। तो कितना हो गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और धारा के विरुद्ध जिसे हम अपस्ट्रीम बोलते हैं, अपस्ट्रीम निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को माइनस कर देते हैं, तो कितना हो गया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, अब क्या बोल रहा है कि पी से क्यू जाने तथा क्यू से फिर वापस आने पी तक उसको कितना लग रहा है, 4 घंटा लग रहा है। ठीक है, तो देखिए एक्स डिस्टेंस जा रहा है तो कितना कितना स्पीड से जा रहा है, डाउन स्ट्रीम मान लीजिए तो 6 किलोमीटर। ठीक है, प्लस फिर एक्स डिस्टेंस को वापस लौटने में, ठीक है, और क्या कर रहा है, अप स्ट्रीम में लौट रहा है, स्पीड कितना इसका है, 2 है, और दोनों का टाइम को अगर दोनों टाइम निकाल के जोड़ेंगे तो कितना लग रहा है, 4 घंटा लग रहा है। कोई दिक्कत, देखिए पहला जो डिस्टेंस ट्रेवल किया और जिस स्पीड में ट्रेवल किया, अगर दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा, आपका टाइम निकल जाएगा जाने में, और फिर उसी तरह वापस आ रहा तो डिस्टेंस तो सेम है, एक्स ले लिए और आप स्ट्रीम क्या आया, स्पीड क्या आ गया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, उसको भी अगर ये करेंगे डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा, टाइम निकलेगा, और दोनों को टाइम को ऐड कर देंगे तो टोटल कितना है, 4 घंटा। ये आ गया इक्वेशन, अब ये इक्वेशन आ गया तो इसे सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा x प्लस 3x इक्वल टू क्या हो गया, 4 हो गया, 4x बाई 6 इक्वल टू 4, 4 4 काट दीजिए, x बराबर क्या हो गया, x बराबर हो गया 6, 6 किलोमीटर क्या हो गया, p से q का डिस्टेंस हो गया, दूरी हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, बोल रहा है शांत जल में नाव की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, मींस वीबी आपका दिया हुआ है कितना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, यदि इसे बहाव की दिशा में 20 किलोमीटर जाना है, ठीक है, बहाव की दिशा में मान लीजिए बीसी करेंट का आपका एक्स है, ठीक है, उसको जाना है बहाव की दिशा में 20 किलोमीटर, कितना आना है, D1 है आपका 20 किलोमीटर, जाने में उतना ही समय लगता है जितना 12 किलोमीटर बहाव के विपरीत जाने में, विपरीत जाने में लगता है। ठीक है, तो जितना 12 किलोमीटर बहाव के विपरीत आने में, ठीक है, तो देखिए डाउन स्ट्रीम आपका क्या हो गया, बहाव के दिशा में डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, बोट के वेलोसिटी को करेंट के वेलोसिटी से क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 8 प्लस एक्स हो गया। ठीक है, अप स्ट्रीम अगर निकालें, अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा, धारा के विरुद्ध, इसमें क्या हो जाएगा, दोनों को आपस में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 8 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि धारा के दिशा में, बहाव की दिशा में 20 किलोमीटर जाने में उतना ही समय लगता है जितना 12 किलोमीटर बहाव के विपरीत दिशा में आने में लगता है। ठीक है, तो देखिए जाने में 20 किलोमीटर है तो 20 किलोमीटर बटा 8 प्लस एक्स, ओके, उतना ही समय लगता है जितना 12 किलोमीटर आने में, लौटने में कितना ये स्पीड, 8 माइनस एक्स अपस्ट्रीम। ठीक है, अभी सॉल्व कीजिए, 160 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 160 माइनस 20x बराबर हो जाएगा 12.96 प्लस 12x, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या कीजिए, 96 को माइनस कर लीजिए, 60 36 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 64, और ये हो गया आपका 32 हो गया 32x, तो x बराबर क्या हो गया, x बराबर आपका 2 आ गया, 2 क्या, 2 क्या आ गया, तो 2 आपका आ गया, आपका आ गया करेंट का वेलोसिटी आ गया।
2 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या गया करंट का वेलोसिटी, आपसे यही पूछा था ना, तो विपरीत जाने में लगता है, तो बहाव की गति क्या है, क्या पूछा था, बहाव की गति, तो बहाव की गति आ गया, वेलोसिटी ऑफ करंट कितना आ गया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए अब टाइप 2 के क्वेश्चन को देखते हैं, कैसे टाइप 2 के क्वेश्चन बनते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं बोट एंड स्ट्रीम के टाइप 2 के सवाल कैसे प्रश्न आते हैं। तो देखिए अनुकूल चाल डाउन स्ट्रीम, जिसे हम मान लेते हैं एक्स किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, ठीक है, और प्रतिकूल चाल जिसे हम अपस्ट्रीम बोलते हैं उसे हम वाई किलोमीटर प्रति घंटा। इसके पहले मैंने टाइप 1 में बताया था कि डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम को कैसे निकालते हैं, अब इसमें उल्टा बताऊंगा, ठीक है। अगर डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम दिया हुआ है तो शांत जल में नाव की चाल कैसे निकालेंगे और धारा की चाल कैसे निकालेंगे। फ्रेंड्स देखिए शांत जल में नाव की चाल आपको बताना कैसे होगा, ठीक है। तो देखिए अगर आपको डाउन स्ट्रीम दिया हुआ है और अपस्ट्रीम दिया हुआ है, अगर आपको निकालना है शांत जल में नाव की चाल, तो क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई बटा 2 कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। x क्या हो गया आपका डाउन स्ट्रीम हो गया, y क्या हो गया आपका अप स्ट्रीम हो गया, ठीक है। अब देखिए धारा की चाल अगर निकालना है, करंट की अगर वेलोसिटी निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, x माइनस वाई बटा 2 कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें क्या था, अगर डाउन स्ट्रीम आपको निकालना पड़ता था, अगर आपको दोनों चीज दिया हुआ था, शांत जल में नाव की चाल और अगर धारा की चाल दिया हुआ था, दोनों को हम लोग क्या करते हैं, डाउन स्ट्रीम में प्लस कर देते थे, तो आपको क्या आ जाता था, डाउन स्ट्रीम आ जाता था। अगर आपको अपस्ट्रीम निकालना रहता था तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते थे, तो आपका अपस्ट्रीम निकल जाता था। लेकिन इसमें क्या है, डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है, शांत जल में नाव की चाल निकालना है, तो दोनों को ऐड करके बाय 2 कर देंगे। अगर धारा की चाल पूछेगा फ्रेंड्स, तो दोनों को माइनस करके बटा 2 कर देंगे। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, देखिए सुनिए, धारा के अनुकूल मीन्स क्या हो गया, डाउन स्ट्रीम एक नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, डी दे दिया, डाउन स्ट्रीम दे दिया 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, तथा धारा के प्रतिकूल इसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रतिकूल मीन्स क्या हो गया, अपस्ट्रीम 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ओके फ्रेंड्स। तो आप क्या पूछ रहा है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, मीन्स बी बी पूछ रहा है, मीन्स वेलोसिटी ऑफ बोट पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो मैंने क्या बताया, शांत जल में नाव की चाल निकालने के लिए अगर डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस करके बाई 2 कर देंगे, ठीक है। तो दोनों को प्लस करेंगे 12 प्लस 6 बाई 2 कर देंगे, तो 18 बाई 9 हो जाएगा बराबर, 18 बाई 2 सॉरी 2 हो जाएगा बराबर, क्या हो जाएगा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। मीन्स आपका बोट का कितना चाल हो गया, बोट का जो स्पीड हो गया 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ठीक है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। धारा के अनुकूल एक नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, फिर से बोल रहा है डाउन स्ट्रीम कितना है आपका 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, 8 किलोमीटर प्रति आवर, तथा धारा के प्रतिकूल इस नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, अपस्ट्रीम आपको क्या कह रहा है, 6 किलोमीटर पर आवर कह रहा है, ठीक है। अब आपसे पूछा धारा की चाल, क्या पूछ रहा है, बीसी पूछ रहा है धारा की चाल, करंट की चाल। तो मैंने क्या बोला, धारा की चाल निकालना है आपका, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम लोग, डाउनस्ट्रीम में अपस्ट्रीम को माइनस कर देंगे, फिर डिवाइड कर देंगे 2 से। तो यहाँ क्या है, डाउनस्ट्रीम में अपस्ट्रीम को माइनस कर देंगे, डाउनस्ट्रीम 8 है, माइनस 6 कर देंगे बाई 2, तो 2 बाई 2 कितना हो गया, 1। तो क्या हो गया, करंट का वेलोसिटी हो गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा, समझ गए, इस तरह से ऐसे सवालों को बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं फ्रेंड्स। एक नाव धारा के अनुप्रवाह में 150 किलोमीटर 15 घंटा में जाता है, मींस डाउनस्ट्रीम अनुप्रवाह है, मींस डाउनस्ट्रीम, ठीक है, कितना दिया हुआ है, 150 किलोमीटर जाता है कितने घंटा में, 15 घंटा, मींस कितना हो गया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या हो गया, डाउनस्ट्रीम हो गया। अब आगे पढ़िए, तथा उधर प्रवाह में 48 किलोमीटर 12 घंटा में जाता है, मींस उधर प्रवाह मींस क्या हुआ, अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम कह रहा है कि 48 किलोमीटर जाता है कितने घंटा में, 12 घंटा में, मींस कितना हो गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका क्या हो गया, अपस्ट्रीम हो गया। अब क्या बोल रहा है, शांत जल में नाव की चाल एवं धारा की चाल का अनुपात बोल रहा है, ठीक है फ्रेंड। क्या पूछ रहा है, शांत जल में नाव की चाल, तो शांत जल में नाव की चाल कैसे निकलता है, दोनों को प्लस करते हैं 10 प्लस 4 बटा क्या करते हैं 2 करते हैं, तो 14 बाई 2 कितना हो गया, 7 हो गया, 7 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गया, बोट का चाल हो गया। अब पूछ रहा है दोनों का अनुपात पूछ रहा है, फिर करंट भी निकालना पड़ेगा आपको, तो दोनों क्या करते हैं, करंट निकालने में डाउन स्ट्रीम में अपस्ट्रीम माइनस करते हैं बटा 2 करते हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा हमेशा, ठीक है, 10 माइनस 4 बटा 2 किए कितना हो गया, 6 बाई 2 हो गया, मीन्स 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ठीक है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, नाव की चाल एवं धारा की चाल का अनुपात, तो अनुपात क्या हो जाएगा, अनुपात आपका क्या हो जाएगा, अनुपात आपका हो जाएगा VB इस टू VC, VB कितना है 7 इस टू 3, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, अनुपात हो गया। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे।
एक नाव नदी के बहाव के साथ साथ कोई दूरी तय करने में 3 घंटे का समय लेती है और नदी बहाव के विपरीत यह दूरी चलने में 9 घंटे का समय लेती है। शांत जल में नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। क्या कह रहा है, शांत जल में नाव की चाल, मतलब भी आपका दिया हुआ कितना, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ओके। तो धारा की चाल कितनी होगी, धारा की चाल VC आपको पता नहीं है, x मान लेते हैं, ठीक है। अब डाउन स्ट्रीम बोल रहा है डी, धारा के दिशा में चाल कितना हो जाएगा, 4 + x हो जाएगा, ठीक है। और अप स्ट्रीम क्या होता है, धारा के विरुद्ध दिशा में, तो क्या हो जाएगा, 4 - x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एक नाव नदी के बहाव के साथ साथ कोई दूरी तय करने में 3 घंटे का समय लेती है और नदी बहाव के विपरीत यह दूरी चलने, मतलब दोनों में बहाव के साथ जा रहा है तो दूरी भी सेम है और बहाव के विपरीत जा रहा है तो भी दूरी सेम है, ठीक है। तो दोनों में दूरी सेम है तो क्या करेंगे, अब देखिए क्या दे रहा है, पहला जो दूरी तय करता है बहाव के साथ वो 3 घंटा में तय करता है, 4 + x * 3 = देखिए 4 + x क्या हुआ, टाइम, ये स्पीड हो गया, चाल हो गया डाउन स्ट्रीम में, धारा के साथ नाव की चाल हो गई और 3 घंटा में वो दूरी को तय करता है और नदी बहाव के विपरीत में, देखिए विपरीत क्या हो गया, अपस्ट्रीम, 4 - x हो गया, ठीक है। और गुने क्या हो जाएगा, टाइम कितना ले रहा है, देखिए 9 घंटा ले रहा है, गुने 9 कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, एक्स बराबर कितना आ गया फ्रेंड्स, 2 आ गया, और 2 क्या आ गया, करंट का स्पीड आ गया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, ठीक है, स्पीड ऑफ करंट आ गया, समझ में आ गया। डिस्टेंस दोनों में इक्वल है इसलिए ऐसा किए, स्पीड इंटू टाइम कर दिए, इसमें भी स्पीड इंटू टाइम कर दिए कि दोनों का डिस्टेंस क्या कर सके, आपस में इक्वलेट कर सके, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। अब चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं फ्रेंड्स, 5वां नंबर क्वेश्चन है, एक नाव नदी की धारा के विरुद्ध 5 घंटे में उतने ही दूरी तय करती है जितनी दूरी वह 2 घंटे में धारा के साथ चलकर तय करती है। शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल का अनुपात क्या होगा, मान लीजिए शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, नाव की चाल, चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और इसी तरह मान लेते हैं क्या, धारा की चाल, धारा की चाल है, धारा की चाल बराबर क्या है, y किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या बोल रहा है, देखिए एक नाव नदी की धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध बोल रहा है, ठीक है, 5 घंटा में उतने ही दूरी तय करती है जितनी दूरी वो क्या करता है, देखिए विरुद्ध बोल रहा है ना, डाउन स्ट्रीम में क्लिक कीजिए, डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम हो जाएगा आपका धारा, मीन्स हो जाएगा धारा के साथ हो गया, x प्लस वाई हो जाएगा, और धारा के विरुद्ध का बात करें, अप स्ट्रीम बात करें, अप स्ट्रीम बात करें तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, तो एक नाव नदी की धारा के विरुद्ध 5 घंटे में उतनी ही दूरी तय करता है, विरुद्ध मीन्स 5 × x - y उतनी ही दूरी तय करता है जितनी दूरी वह 2 घंटा में धारा के साथ चलकर तय करता है, धारा के साथ चलकर 2x + y हो गया, ठीक है ना फ्रेंड्स, ये समझ में आया। क्या बोल रहा है, देखिए एक नाव नदी की धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध क्या हो गया, अपस्ट्रीम हो गया, अपस्ट्रीम लोग निकालिए कितना हो गया, x - y हो गया, कितना घंटा में, 5 घंटा में उतनी ही दूरी तय करता है, तो क्या किए, टाइम को स्पीड के साथ इंटू कर दिए तो क्या आ जाएगा आपका डिस्टेंस आ जाएगा, फिर इसी तरह टाइम को आपके डाउनस्ट्रीम के साथ इंटू कर दिया फिर डिस्टेंस आ जाएगा और दोनों का डिस्टेंस इक्वल है तो ये इक्वलेट कर दिए, ठीक है। अब इसे सॉल्व कीजिए, 5x - 5y, हाँ ठीक है, 2x - 2x + 2y हो गया, 5x को इधर ले जाइए क्या हो जाएगा, x को इधर ले जाइए तो 3x = 7y, ठीक है, x / y = 7y, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ, ठीक है, एक नाव नदी की धारा के विरुद्ध 5 घंटे में उतनी ही दूरी तय करता है जितनी दूरी वह 2 घंटे में धारा के साथ चलकर तय करता है, ठीक है। शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल का अनुपात क्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, शांत जल में नाव की चाल हम मान लिए कितना, x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए, और धारा की चाल आपका कितना मान लिए, y किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए। अब क्या किए, डाउन स्ट्रीम निकालते हैं हम लोग, धारा के साथ निकालते हैं तो क्या करते हैं, x + y, शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल को दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। उसी तरह फिर जब अपस्ट्रीम निकालते हैं, धारा के विरुद्ध निकालते हैं तो क्या करते हैं, बोट की चाल में धारा की चाल को माइनस कर देते हैं, x - y कर दिए। अब देखिए दोनों का दूरी सेम है,
कह रहा है 5 घंटे में धारा के विरुद्ध में जितनी दूरी तय करती है उतनी ही दूरी 2 घंटे में धारा के साथ तय करती है, दोनों को इक्विलेट कर दिए, और जब इक्विलेट कर दिए तो x बटा y का रेशियो कितना आ गया, 7:3 आ गया फ्रेंड्स, ये आंसर था। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक आज बोट एंड स्ट्रीम का टॉपिक यहाँ पे खत्म हुआ। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको पूरा समझ में आया होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए महामाया सिलेक्शन को सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक बटन दबाइए कि आपके लिए मैं इस तरह के वीडियोस लाता रहूं। थैंक यू।